हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है संस्कृति बिहार पर हम लोग माइक लेके नहीं, बिना माइक के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और हम लोग जो है सिक्किम में हैं, सिक्किम गैंगटोक जो है नथुला बॉर्डर पर हैं। और मनीष कश्यप जी का जो है आप लोग देख ही रहे होंगे, रेगुलर जो है वीडियो बन रहा है। और मनीष कश्यप का चुनाव चिन्ह भी बहुत जल्द आने वाला है। और हम लोग का एक वीडियो देखे थे जिसमें मनीष कश्यप रोते हुए नजर आ रहे थे, भावुक होते हुए नजर आ रहे थे। और उस पल उस क्षण हम लोग वहाँ नहीं थे जो कैमरे में कैद कर पाते अपने अचानक। एक सप्ताह से हम लोग जो है टूर पर हैं, लेकिन हमको धमकी भी मिल रहा था। उन्होंने कहा कि एक्शन लेंगे हम उनके परिवार के ऊपर जो है, करण के ऊपर, मम्मी के ऊपर। गए थे कोर्ट में और बहुत सारी बातें सामने आई है, लेकिन हम लोग एक सप्ताह से टूर पर हैं, जिस वजह से हम लोग जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। यहाँ नेट का बहुत प्रॉब्लम है। नथुला बॉर्डर जो गैंगटोक में है सिक्किम में, हम लोग वहाँ पर हैं। हम लोग जो है चाइना बॉर्डर से आए हैं। इतना ठंड था कि क्या, बहुत ज्यादा ठंड है। इतना ज्यादा ठंड है कि जैकेट वगैरह जो है बिना उसके काम नहीं चल सकता है। और कान उन ठंडा हो रहा है और मौसम देखिए कितना खराब है। जल्दी आ रहे हैं और गाड़ी हम लोग का आ गया है। जल्दी आ रहे हैं और आपका एक वीडियो काफी बहुत जल्द आएंगे हो रहा है, जिसमें आप टोकरी उठाए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब आप ही लोग बताइए, मनीष कश्यप जो है चुनावी मैदान में आ गए हैं। अब चुनाव जो है बहुत जल्द क्या प्रक्रिया होगा आप लोग को पता ही है। निर्दलीय है, चुनाव कहीं पर भी टिकट नहीं मिला है, तो बहुत जल्दी चुनाव लड़ेंगे। जो है बीजेपी से जोड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भी नहीं दिया। जब बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया, अब आप लोग क्या कहिएगा। चलिए, हमारा गाड़ी जो है हॉर्न दे रहा है और मौसम खराब है, यहाँ पर रुकना सही नहीं है। और ये वीडियो जो है खास करके उन्हीं के लिए है। और आप लोग किनको वोट देते हैं जरूर बताइएगा, किसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस साइड से जाइए। बाकी आप लोग तो देख ही रहे होंगे, सारा चीज आप लोग को पता ही होगा। देख सकते हैं हमारे पीछे जो है पहाड़ है और पहाड़ पर बर्फ गिरा हुआ है, झील है। और अभी हम लोग जो है नथुला बॉर्डर पर थे, जो कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, और थोड़ा आसपास में भूटान का भी बॉर्डर है। और यहां पर पिछले साल मनीष कश्यप भी आए थे। और हम लोगों ने भी प्लान किया, एक सप्ताह से इस टूर पर है लगातार, और जो है हम लोग घूम रहे हैं। पहले तो हम लोग दार्जिलिंग घूमे, दार्जिलिंग 2 से 3 दिन रहे, वहाँ घूमते फिर हम लोग जो है गैंगटोक आए, गैंगटोक में 2 दिन रहे, और आज तीसरा दिन जो है हम लोगों का यहाँ पर नथुला बॉर्डर पर है, जहाँ पहाड़ पर जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है और चाइना इंडिया का बॉर्डर है। आप लोग को दिखाए भी हैं वीडियो में, बाकी जो है इस वीडियो में भी दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह का सुंदर सा नजारा है। बाकी जो है सुंदर है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग जो है मनीष कश्यप का साथ अभी नहीं दे रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं है। फोन भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो यही चीज है, जाना चाहिए आपको। प्रचार बिल्कुल, चुनाव है तो हम लोग वहाँ जाएंगे। मेरा बेटा का बर्थडे था आज, तो हम लोग उसी प्लान के लिए जो है सोचे थे कि थोड़ा घूम घूम भी लिया जाए। घर जाएंगे तो मनीष कश्यप के ही पास जाएंगे, उधर जाने सारे लोग का फोन आता है, उन्हीं के पास जाना है। और वहाँ बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मतलब कि आप लोग छोड़ दिए हैं क्या, बेतिया नहीं आ रहे हैं क्या। नहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ। एक सप्ताह से हम लोग लास्ट वीडियो मनीष कश्यप का ही बनाए थे, उसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। और लास्ट भी वीडियो तो मनीष कश्यप का ही है, आप लोग देख सकते हैं। और बर्फ जो गिरा है ना, तो बर्फ पे हम लोग जो है सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो है मनीष कश्यप जी के लिए वीडियो बना लिया जाए। और जो है कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो किस्मत का खेल है, और जनता जिनको चाहेगी उन्हीं का खेल है। बाकी जो है इंडिया में चारों ओर जो है चुनावी लहर अभी चल रहा है, और हम लोग बिना माइक के वीडियो बना रहे हैं। माइक अभी हम लोग नहीं ऑन किए हैं, क्योंकि माइक को कैरी करना, उसको साथ में लाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तो वो चीज नहीं कर पाए। तो सोचे थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे दें कि हम लोग यहाँ है, इस वजह से मनीष कश्यप जी का साथ नहीं दे पा रहे हैं अभी। और जैसे ही हम पहुंचेंगे, दो से तीन दिन में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। कल हम लोग शाम तक घर पहुंच जाएंगे, सुबह में निकलेंगे होटल से, उसके बाद चले जाएंगे। बाकी जो है मनीष कश्यप जी के लिए आप लोग क्या सोचते हैं,
उनको संसद बनना चाहिए कि नहीं, उनको वोट दीजिएगा कि नहीं, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, आया है कि नहीं, सारा चीज जो है आप लोग को वैसे भी पता होगा ही, लगातार आप लोग वीडियो देखते ही हैं। तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी देखिए चारों ओर फौजी कैंप है, हर जगह ज्यादातर फौजी का ही कैंप है, घर किसी का नहीं है, जो है ना, वो हाँ। बहुत ही और यहाँ हमारा पीछे गाड़ी लगा हुआ है, इसी गाड़ी से हम लोग जो है टूर कर रहे हैं, पर्सनल गाड़ी जो है हम लोग को यहाँ अलाउड नहीं था, पर्सनल गाड़ी हम लोग रख के आए हैं अपने होटल रूम पर, और दिन भर के लिए जो है हम लोगों ने ये जेलो गाड़ी को बुक किया है और इसी से घूम रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं सारा चीज बताइएगा, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।